Behind closed doors, I'm a fool for your love. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू BSW स्टॉक्स एंड फाइनेंस। मैं निकेत दसवानी फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी न्यू वीडियो में। आज का टॉपिक काफी ज्यादा चर्चा में चल रहा है कि अदानी ग्रुप का सीन क्या है। आखिर मैं काफी सारी न्यूजेस देख रहा हूं, काफी सारे वीडियोस देख रहा हूं यूट्यूब पे, काफी व्हाट्सएप पे मेरे को वीडियोज आ रही है, सोशल मीडिया पे वीडियोज आ रही है कि अदानी ग्रुप हैज बीन फिनिश्ड, खत्म है, उसका खेल खत्म हो चुका है। अदानी सर को, गौतम अदानी जी को रात को नींद नहीं आएगी एंड ऑल, सब ऐसी ऐसी वीडियोस मेरे को देखने मिली। तो ये वीडियोस में ज्यादातर आपको क्या सुनने मिल रहा था कि अदानी का खत्म हो चुका है खेल, अब आप कुछ नहीं कर सकते। टेक्निकली आई कंसिडर देम रॉन्ग, बिकॉज के वो लोग जो भी कर रहे हैं वो आपको टेक्निकली डिप्रेस कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं कर रहे बट इनडायरेक्टली वो आपको डिप्रेस कर रहे हैं। जो इन्वेस्टर्स हैं अदानी के, उनको ये ऐसी वीडियोस डिस्टर्ब कर रही है कि भाई अब क्या होगा, अमर कैपिटल बर्बाद हो गया वगैरह वगैरह। सो उस बेसिस पे ये लोग काफ़ी रॉन्ग है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रॉपर एनालिसिस एंड रिसर्च करने के बाद ही इनको कुछ बोलना चाहिए, अदरवाइज आई रिकमेंड देम कि आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ऐसे लोगों की वीडियोस नहीं देखा करें, वो बेटर रहेगा। तो मेन पॉइंट पे आते हैं, क्या अदानी का ग्रुप सच में ख़त्म होने वाला है? देखो, ये मेरा ओपिनियन मैं आपको दे रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होने वाला है, ठीक है। क्यों? बिकॉज अदानी, गौतम अदानी जी काफ़ी चालाक आदमी है, काफ़ी स्मार्ट आदमी है एंड ही उसने उसके स्टॉक को एक साल में रॉकेट कर दिया था। यू नो व्हाट स्टॉक आई एम टॉकिंग अबाउट, एक स्टॉक को उसने एक साल में रॉकेट तक पहुंचा दिया था। तो आपको लगता है ऐसी चीज़ के लिए उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं होगा? ऑफकोर्स होगा, बट लेट्स सी हाउ इट गोस, कैसे जाता है। बट न्यूज एंड ऑल में तो हर जगह यही सुनाई दे रहा है कि सब खत्म हो चुका है एंड ऑल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट डोंट लिसन टू द स्क्रैप अगर आपको लगता है कि भाई नहीं आपके वर्थ का। बट मेन बात पे आते हैं कि अदानी का, जिन लोगों को पता ही नहीं है कि अदानी का सीन क्या है, मैं उनको बता देता हूँ। अदानी के काफ़ी ख़राब न्यूज़ आ रहे हैं और के लॉसेस हो रहा है। अदानी एंटरप्राइज का इवन FPO, जो आप ये हमारी वेबसाइट पे देख सकते हो bazaarbadshah.com, ये हमारी वेबसाइट है, अदानी एंटरप्राइज का FPO, ठीक है, ये हमने रिव्यू किया था कम्प्लीटली, तो आप इसमें देख सकते हो। FPO का मतलब होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, काइंड ऑफ IPO होता है। तो 20,000 करोड़ का इशू साइज था इनका, 27 जनवरी को बिड ओपन हुई थी एंड 31 लास्ट डेट है, आज 30 डेट ऑलरेडी हो चुकी है। सिर्फ 1% सब्सक्राइब हुआ है इनका FPO। ये सब ऐसी ऐसी न्यूजेस आने के चक्कर में अदानी के प्राइस काफी अफेक्ट हुए हैं रिसेंटली मार्केट में, बट दैट डजंट मीन कि अदानी का खेल खत्म हो गया। ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है, मैं कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ। एज यू कैन सी यहाँ पे 31 जनवरी को बिड एंड हो रहा है एंड आज 30 है एंड सिर्फ 1% के आसपास सब्सक्राइब हुआ है इनका। तो मैं अब अपना ओपिनियन देता हूँ कि अदानी का आपके पास अगर होल्डिंग नहीं है कोई अदानी के ग्रुप में, तो आपको न्यू पोजीशन नहीं बनानी है। आपकी कोई होल्डिंग नहीं है, आपको न्यू पोजीशन नहीं लेनी है अदानी में, ठीक है। अभी जब तक आपको कोई फ्रेश न्यूज नहीं आ जाती अच्छी पॉजिटिव साइड की, तब तक आपको अदानी में कोई फ्रेश एंट्री नहीं बनानी है। रही बात उनकी जिनकी ऑलरेडी एंट्री है या जिनका ऑलरेडी होल्डिंग है अदानी के किसी भी स्टॉक में, तो अब वो सोच रहे हैं क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह। सबसे पहली बात तो ऐसी नौबत ही नहीं आती अगर आप ध्यान दिए होते कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, तो ठीक है, स्टॉप लॉस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉप लॉस लगा के अगर आप ट्रेड करते हो या इन्वेस्ट करते हो, देन आपके लॉसेस होंगे नो डाउट, बट आपका कैपिटल खत्म होने का चांस नहीं होगा, बड़े लॉसेस से आप बच सकेंगे। तो मैं चार्ट पे आपको दिखाता हूँ कि अदानी एंटरप्राइज अगर मैंने होल्ड किया होता, ये देखो मेरी ओपिनियन है क्या था, अगर मैं होल्डिंग नहीं कर रहा हूँ अदानी में तो मैं फ्रेश पोजिशन बिल्कुल नहीं बनाता, बट अगर मैं होल्ड किया होता, जो कि पॉसिबल नहीं है बिकॉज मैं स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर, बट स्टिल मैंने होल्ड किया होता एंड सपोज मैंने 3800 या 3600 के रेट पे अदानी एंटरप्राइज बाय करके रखा था और मैं अभी यहाँ पे चल रहा है 2892, ठीक है, तो इस केस पे मैं अब क्या करूँगा? इस केस पे मैं ये करूँगा कि जो भी रीसेंट स्टॉप लॉस है, जो रीसेंट का लो है उसको ब्रेक करके अगर कोई कैंडल क्लोज कर देती है, ठीक है, थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान रखो, क्लोजिंग किसको बोलते हैं, जैसे ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई और क्लोज हुई यहाँ पे, भले यहाँ तक जाके आया है प्राइस बट क्लोजिंग यहाँ पे। तो जब तक
इस लो एरिया को क्लोज नहीं कर देती कोई कैंडल, तब तक मैं एग्जिट नहीं करता। अगर आपको समझना है मैं क्या कहना चाहता हूँ टेक्निकली डिटेल में, तो आई बटन पे वीडियो आ जाएगी, आप वो एक बार देख लेना। तो इस केस में अगर मैं अभी होता तो मैं होल्ड करता डेफिनेटली यहां के स्टॉप लॉस के साथ। इस लाइन के नीचे कोई भी कैंडल क्लोजिंग दे देती तो मैं एग्जिट कर देता, फिर न्यू पोजीशन बना सकते थे। आगे पॉजिटिव न्यूज आती या फिर चार्ट अच्छा इंडिकेशन देता, पॉजिटिव न्यूज के साथ चार्ट अच्छा इंडिकेशन देता तो अपन न्यू पोजीशन बना सकते थे। ऐसा तो है नहीं कि अभी एग्जिट कर लिया तो भाई खत्म, फिर वापस अदानी में एंट्री नहीं ले सकते, समझ रहे हो आप। तो उस बेसिस पे मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रहता, होल्ड करता, पैनिक होके न्यूज देख के एग्जिट नहीं कर देता। ये सब जो सेलिंग आ रही है ना वो मोस्ट ऑफ पैनिक सेलिंग है, ठीक है। एंड सपोज आपने यहाँ स्टॉप लॉस लगाया होता, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से, तो यहाँ पे आपका एग्जिट हो जाता तो इतना सारा आपका लॉस बच जाता, इसलिए स्टॉप लॉस जरूरी है। एंड सपोज यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज आ गई सपोज, तो आपने यहाँ पे बाय कर लिया तो आपको सस्ते में भी पड़ गया, बाय करके प्रॉफिट भी कमा लिया। उस तरीके से मैं ट्रेड करता। एंड ओवरऑल आज भी अदानी का प्राइस दोनों स्टॉक्स में सर्ज किया था, अपसाइड गया था। मैं मार्केट पे वॉचलिस्ट देख रहा था, ऑलमोस्ट सारे डाउन में थे, लेकिन अदानी के स्टॉक्स, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स एंड ऑल सब पॉजिटिव दिख रहे थे, ठीक है। तो अदानी, गौतम अदानी को कम मत समझिए, वो डोंट अंडर एस्टिमेट हिम, बहुत चालाक आदमी है वो, ठीक है, ही इज वेरी चालाक ब्रो। एंड आप तब तक हमारी वेबसाइट विच इज bazaarbadshah.com, एज यू कैन सी हियर, आप यहाँ पे विजिट करके अच्छे से हमारे आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, हमारे काफी सारे टॉपिक्स पे आर्टिकल्स है। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे अंडर में शेरखान में अकाउंट ओपन करते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है अकाउंट ओपनिंग की, उस लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप हमारा जो है उसमें 150 प्लस मेंबर्स है, उसमें आपको फ्री में ऐड कर दिया जाएगा। एंड उधर आपको न्यूज अपडेट्स एंड एजुकेशनल पर्पस के 1 से 3 कॉल्स पर डे आते रहेंगे। तो ब्रोकरेज स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कितना है, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। एंड जो हो ओपन करना हो अकाउंट तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है एंड नंबर भी दिया हुआ है अकाउंट ओपन होने के बाद, उस नंबर पे आप हमको कॉन्टेक्ट करना, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड हो सके तो लाइक एंड कमेंट जरूर करना, आपका व्यू क्या है, एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना।